यार भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई IQ की तरफ से आने वाले एकदम फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। जी हां गाइस, IQ ने भाई अपनी नियो सीरीज में आने वाले दो स्मार्टफोन को चाइना में लॉन्च कर दिया है, IQ नियो 5SE एंड IQ नियो 5S। एंड दोनों के दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड एंड 5G स्मार्टफोन है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई IQ नियो 5 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में बहुत पहले, और अभी तक वो फोन हमारे इंडिया में तो लॉन्च हुआ ही नहीं। तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन के भी चांसेस बिल्कुल ना के बराबर निकल के आते कि ये स्मार्टफोन हमारे इंडिया में लॉन्च हो जाए। पर जो भी, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई IQ नियो 5SE इस स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, साथ ही इसके जायरोस्कोप में इसकी हीटिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पबजी वाले फिर BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग प्रोवाइड करके देते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलने वाले। तो इसी कारण से यार ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई IQ Neo 5 ये जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है। एंड बेसिकली IQ ने भाई इसी सीरीज में दो स्मार्टफोन को लॉन्च किए, तो भाई डेफिनेटली वो भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन निकल के आते हैं, जिनमें आपको स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स भाई भर भर के देखने को मिलने वाले। बट स्टिल IQ Neo 5 SE इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो भाई लास्टली डिस्कस करने ही वाले, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में और जान लेते कि भाई आखिर ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला। तो इसी कारण से यार हम इसमें सजेस्ट करने वाले भाई PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम। जी हाँ गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है भाई स्मूथ और एक्सट्रीम। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि भाई आखिर एक ऐसा फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलता, बाय डिफॉल्ट ओनली 60 FPS देखने को मिलता है। देखिए इस फोन में जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो डेफिनेटली 90 FPS को भी हैंडल करने में काफी हद तक कैपेबल है, बट स्टिल अभी के टाइम के लिए यहाँ पे आपको स्मूथ और एक्सट्रीम देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पे आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और वही बात करते भाई इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में भी एक्सट्रीम, HD में एक्सट्रीम एंड HDR में भी आप इस फोन में एक्सट्रीम ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे। और अल्ट्रा HD की बात करते तो भाई अल्ट्रा HD में अभी आप फिलहाल अल्ट्रा ही ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि ग्राफिक सेटिंग तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। बस अभी के लिए यहाँ आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलता। और भाई 60 FPS की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इस फोन में आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो 90 FPS को भी बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकता है, तो भाई आप समझ ही सकते हो कि इस फोन में आपको 60 FPS में किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। नॉट ओनली स्मूथ और एक्सट्रीम बट ऑल्सो आप इसमें HDR और एक्सट्रीम में भी गेम प्ले करोगे तो भी आपको परफॉर्मेंस भाई 60 FPS में बिल्कुल क्लियर देखने को मिलने वाली, बिल्कुल प्रॉपर 60 FPS यहाँ आपको देखने को मिलने वाले। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो भाई स्मूथ और एक्सट्रीम के गेम प्ले में TDM में कोई भी आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा भाई, कभी भी आपको फ्रेम ड्रॉप होते हुए दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल प्रॉपर जो फोन है वो 58 से लेकर 60 FPS मेंटेन कर पाता है। सेम सिनेरियो आपको इरांगल में भी देखने को मिलता है, वहां पे भी ये जो फोन है वो 58 से लेकर 60 FPS बहुत ही इजी तरीके से मेंटेन कर पाता है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। बस एक आधी बार क्लोज कॉम्बैट में इसके FPS 57-56 तक जाते हैं, पर वो बहुत ही रेयर कंडीशन में ही होता है, आपको मोस्टली जो फोन है वो 58 से लेकर 60 FPS बहुत ही इजीली प्रोवाइड करके दे ही देता है भाई इरांगल में। तो इन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो भाई TDM एंड इरांगल में बिल्कुल कॉन्स्टेंट आप 60 FPS में गेम प्ले कर पाओगे IQ Neo 5SE 5G इस स्मार्टफोन के साथ में। पर वही बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और इस टाइम पे तार बड़े बड़े फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते हैं। तो भाई क्वेश्चन तो ये निकल के आएगा कि क्या IQ Neo 5SE 5G कि ये बड़ा फोन भी सैनोक के बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखो अगर आप इस फोन के हाथ में सैनोक का बूट कैंप करोगे और जब आप प्ले से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहां पे आपको 54-55 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो पलक झपकते ही रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाता है और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 57 से लेकर हो जाते हैं। लेकिन सपोज भी जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है तो भी उस इंटेंस भाषण में IQ Neo 5SE जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल आपको प्रॉपर 58 से लेकर 60 FPS प्रोवाइड करके देता है इवन सैनोक के बूट कैंप में। हाँ वो बात अलग है कि अगर आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फाइट लोगे तो कभी कभार इसके जो FPS है वो 56-57 तक जाते हैं, कभी कभार 55 भी चले जाते हैं, पर आपको मोस्टली 98% तक जो फोन है वो 58 से लेकर 60 FPS प्रोवाइड करके दे ही देता है भाई इवन सैनोक के बूट कैंप में। और सेम केस आपको HDR और एक्सट्रीम में भी देखने को मिल जाएगा, वहां पे भी वो जो फोन है वो इवन सैनोक के बूट
बूट कैंप में आपको बिल्कुल प्रॉपर 57 से लेकर 60 एफपीएस प्रोवाइड करके देता है HDR और एक्सट्रीम के गेम प्ले में। तो भाई IQ Neo 5 ऐसी इसी स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस के मामले में चिंता करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑल द टाइम यहाँ पे आपको बिल्कुल इंसेन लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली। स्टिल बात करते भाई इस फोन के जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो देखकर इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई फिजिकल वाला जायरोस्कोप। एंड अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो भाई बिल्कुल फुल जायरो के साथ में आप इस फोन में गेमिंग कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल बटरी स्मूथ इसका जायरोस्कोप देखने को मिलने वाला है। एंड हीटिंग की बात करते तो गाइस जो फोन है वो काफी अच्छी तरीके से हीट को मैनेज करता है। हालांकि 60 एफपीएस में यहाँ पे आपको उतनी हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें 90 एफपीएस अनलॉक हो जाए तो थोड़ा हीटिंग वाला इशू इसमें बढ़ सकता है, पर अभी के लिए यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है। एक या फिर 1.5 घंटे की भी ऊपर की गेमिंग अगर आप इस फोन में कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है भाई, 32 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट काफी ओपी देखने को मिल जाएगा विद ओपीएस्ट परफॉर्मेंस के साथ में। लेकिन वही बात करते कि भाई आखिर की तगड़ी परफॉर्मेंस आपको किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली। तो गाइस बात करते भाई IQ Neo 5 SE 5G इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। बेसिकली कुछ नहीं यार, काफी सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का एक 144Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद HDR 10 प्लस के साथ में विद 240Hz या फिर 300Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ में। तो हालांकि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट स्टिल यहाँ पे आपको 144Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाता है भाई इसके डिस्प्ले में। कुछ सिनेरियो में भाई IPS बहुत ही तगड़ा निकल के आता है भाई AMOLED के कंपैरिजन में। LPDDR4X न्यू IPS 3.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा भाई, डुअल स्टोरेज स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई स्नैपड्रैगन का मोस्ट पावरफुल लेकिन वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट। जी हां गाइस, जो कि हम सभी को पता है कि भाई काफी पावरफुल चिपसेट है एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। आपको जितनी भी ये परफॉर्मेंस निकाल के देता है भाई उसमें बिल्कुल नो हीटिंग होती है, बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस निकल के आती है, भाई बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ही ज्यादा कम निकल के आता है। हालांकि जो प्रोसेसर है वो 7nm पे बेस्ड है लेकिन डुअल 5G चिपसेट है। तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में आपको लिटरली IQ Neo 5 SE में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, Snapdragon 870 चिपसेट बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देने वाला है। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में कि भाई आखिर फोन चाइना में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है। तो देख रहे जो फोन है वो चाइना में लॉन्च हुआ है भाई 3 वेरिएंट में, 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड भाई 12GB 256GB। एंड इसका जो बेस वेरिएंट है यानी कि 8GB 128GB अगर हम उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते तो वो होते भाई लिटरली 26,200 रुपीस। एंड इसका जो हायर वेरिएंट होने वाला है यानी कि 8GB 256GB वाला वो लॉन्च हुआ है भाई 28,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। एंड जो 12GB वाला वेरिएंट है वो भाई लॉन्च हुआ है लगभग 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई IQ Neo 5 SE 5G ये स्मार्टफोन गेमिंग के रिगार्डिंग भी काफी तगड़ा निकल आता है। बाकी यार आप सभी को ये फोन कैसा लगता है ना आपके अकॉर्डिंग, क्या आप इस फोन को गेमिंग के लिए कंसीडर करना चाहोगे या नहीं, मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर आपको टॉप 50 प्लस बेस्ट अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है जो कि आपको जनवरी 2022 में देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें आपको बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, तो भाई आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टॉप ऐसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है जो कि आपको अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस फिलहाल के लिए यार इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।